हेलो एवरीवन, आई एम रितु कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम आरपीआईटी कैंपस करनाल। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लास्ट लेक्चर। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ ब्रिक, दैट इज द फर्स्ट सेकंड क्लास ब्रिक, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक आर पुअर क्वालिटी। अब भाई तीसरे नंबर पर तो पुअर क्वालिटी है, क्योंकि फर्स्ट तो फर्स्ट ही थी, सेकंड फिर भी मॉडरेट थी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी थी उसकी अच्छी। लेकिन अब बात कर रहे हैं थर्ड क्लास की, तो थर्ड क्लास में क्या कहता है कि पुअर क्वालिटी ब्रिक्स है ये, विच आर जनरली यूज फॉर टेम्परेरी स्ट्रक्चर लाइक अनबर्नड ब्रिक। जैसे जो सनराइड होती हैं, जो हमने पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट में जब हम ब्रिक्स के टाइप पढ़ रहे थे, जो सूर्य के प्रकाश में जिसको आप सुखाते हो, तो उसी की तरह ये अनबर्नड ब्रिक की तरह ही इनको भी आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए यूज करते, क्योंकि उनको भी आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए ही यूज कर रहे थे, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है। दीज आर नॉट सुटेबल फॉर रेनी एरिया। रेनी एरिया के लिए जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर ये सुटेबल नहीं होती। दे आर ग्राउंड मोल्डेड टाइप ब्रिक एंड बर्नड इन क्लम्प। द सर्फेस ऑफ दिस टाइप ऑफ ब्रिक आर रफ एंड दे हैव अनफेयर एजेज। ठीक है, ग्राउंड पे आप मोल्डिंग प्रोसेस कहाँ पर की जाती है इसकी, ग्राउंड पर की जाती है। फर्स्ट क्लास की कहाँ की जाती थी, टेबल पर। सेकंड की कहाँ की जाती थी, ग्राउंड पर। और थर्ड इसकी भी कहाँ की जाती है, ग्राउंड पर की जाती है। रेनी सीजन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। सरफेस भी इसका बिल्कुल आपको स्मूथ नहीं मिलेगा, रफ मिलेगा और अनफेयर एज मिलेंगे इसके। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, ग्रेटर देन 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। द वाटर एब्जॉर्प्शन इज अबाउट 25%। फर्स्ट का कितना था, 20%, सेकेंड क्लास का कितना था, 22%, और अब थर्ड में कितना कह रहा है, 25%। लिमिट कितनी होती है, 20% की होती है, लेकिन ये कितना कह रहा है, 25% वाटर एब्जॉर्ब कर लिया ये बाई मास ऑफ ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स ऑफ समर्जन इन वाटर। ये वाटर टेस्ट किया जाता है, कैसे चेक करोगे, वाटर ब्रिक को 24 घंटे के लिए आप एक टब में डालोगे, जहाँ पर भी एक पॉन्ड में डालोगे, टब में ठीक रहता है क्योंकि क्वांटिटी हमें मेजर करनी होती है, तो उसमें डालोगे, ब्रिक्स को डुबा कर रखोगे उसमें 24 घंटे के बाद आप चेक करोगे कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है और कितना वेट था ब्रिक्स का, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद कितना हो गया है, वाटर की क्वांटिटी भी आप मेजर करोगे वहाँ पर, तब जाके हमें आइडिया लगता है कि अच्छा इस ब्रिक्स ने इतना पानी ही एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अगर 20% से ज़्यादा किया किसी भी ब्रिक ने, तो वो आपके परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए सेफ नहीं मानी जाते। तो अब ये 25% कर रही है, तो इसलिए इसको आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर में यूज करोगे। फिर बात करते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक की। फोर्थ क्लास ब्रिक में क्या कहता है, द ब्रिक आर बर्नड अप टू टेम्परेचर ऑफ 800 to 900 degrees centigrade इन द ब्रिक किलन। इफ़ द टेम्परेचर इन द ब्रिक किलन इज अनकंट्रोल्ड, देन द ब्रिक आर बर्नड एक्सेसिवली अप टू टेम्परेचर 1100 to 1200 degrees Celsius। ठीक है, क्या कहता है ये कि वैसे तो 800-900 डिग्री में हम क्या करते, ब्रंट करते, लेकिन कई बार कंट्रोल नहीं होता तो 1100 से 1200 तक टेम्परेचर चला जाता है और उस पर आप इनको ब्रंट करते हो। ड्यू टू दिस द ब्रिक आर सोल्ड एट चीपर रेट एज दे बिकम आउट ऑफ शेप। क्योंकि इनकी शेप भी खराब हो जाती है, तो इस वजह से इनको सस्ते दामों पर बेचा जाता है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ब्रिक इज नोन एज ओवर ब्रंट ब्रिक। दिस ब्रिक आर ऑल्सो नोन एज झामा ब्रिक्स। क्लियर है, फोर्थ क्लास किसको कहते हैं, ओवरबर्नड ब्रिक को फोर्थ क्लास कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा ब्रिक्स का टेम्परेचर होता है वो 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन कई बार टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता, आग बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर की जो कहाँ तक पहुँच जाता है वो 1100 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, तो ब्रिक्स हमारी ओवरबर्नड हो जाती हैं, उनकी शेप भी चेंज हो जाती है, उनका कलर भी चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको सस्ते दामों पर बेचा जाता है। और जैसे मास वर्क होता है भी, वहाँ पर स्ट्रेंथ की तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्ट्रेंथ होती है इनकी, तो मास वर्क के लिए नॉर्मली हम इनको यूज कर सकते हैं, तो इनको हम ओवरबर्नड ब्रिक या फिर झामा ब्रिक्स बोलते हैं।